हे गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं हूँ स्वाति पांडे। और आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ये वाला लुक। तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं पैसिव मेकअप लुक। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सैनिटाइज करूंगी अपने हैंड्स को विथ लाइफबॉय हैंड सैनिटाइजर, ताकि मेरे हैंड्स एकदम क्लीन हो जाए। इसके बाद गाइस हम अप्लाई करेंगे टोनर। टोनर के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आयुर का स्किन टोनर। टोनर इज मस्ट गाइस, डोंट फॉरगेट इट। अगर हम टोनर यूज़ करते हैं तो जितने भी ओपन पोर्स होते हैं हमारे फेस के, वो सारे क्लोज हो जाएंगे। और जो भी मेकअप और जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करने वाले हैं वो हमारे पोर्स के अंदर तक नहीं जाएगा और हमारी स्किन जो रहेगी वो हेल्दी रहेगी। इसके बाद मैं मॉइस्चराइज कर लूँगी अपने लिप्स को विथ वैसलीन। आप जो भी लिप बाम यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। देन हमें करना है अपने फेस को मॉइस्चराइज। मॉइस्चराइजर के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी मेरे डॉक्टर की सजेस्टेड क्रीम। आप जो भी मॉइस्चराइज यूज़ करते हैं अपने फेस के लिए, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम अपनी आईज से। और आईज के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। यहाँ पर मैं यूज़ करी स्विस ब्यूटी का पेन स्टिक कंसीलर। कंसीलर से जितना भी पिगमेंटेशन, जितनी भी डार्कनेस है वो चली जाएगी और मेरा जो आई मेकअप है वो और भी अच्छा आएगा, जिसे हम ब्लेंड करेंगे अपनी फिंगर्स। वो आई शेडो के लिए यहाँ पर मैं लूँगी कलर ब्लास्ट एंड ग्लैम 21 की आई शेडो पैलेट। सबसे पहले मैं एक बेसिक सा न्यूड कलर लूँगी अपने आई शेडो के बेस के लिए, जो कि मैं पिक कर रही हूँ ग्लैम 21 की आई शेडो पैलेट से, जिसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूंगी अपने आईलेट पे। देन अगेन मैं एक ऑरेंजिश कलर लूंगी अपने ग्लैम 21 की आई शेडो पैलेट से, जिसे मैं अप्लाई करूंगी अपनी क्रीज लाइन पे। देन मैं अपने कलर बार की आई शेडो पैलेट से लूंगी ये ब्लूइश सा ब्यूटीफुल कलर, जिससे मैं अप्लाई करूँगी अपने आईलाइट के सेंटर पे। गाइस मेरा आउटफिट इस कलर का है, इसलिए मैंने ये कलर चूज़ किया है। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं जिस कलर का आपका आउटफिट हो। तो इसे मैं अपने सेंटर में, आईलाइट के सेंटर में अप्लाई कर लूँगी। देन मैं इसे अपने रिंग फिंगर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। गाइस हमारे रिंग फिंगर में सबसे कम प्रेशर होता है, जिससे जो हमारा पिगमेंटेशन है वो और भी अच्छा आता है और हमारा जो ब्लेंडिंग है वो और भी अच्छे से होती है। इसके बाद गाइस मैं अपने आईज़ के कॉर्नर के लिए लूँगी ये वाइट कलर, बिकॉज मेरा आउटफिट वाइट एंड ब्लू कलर का है, दैट्स वाई। आई शेडो के बाद अब बारी आती है गाइस लाइनर के। लाइनर के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करी इन कलर का लाइनर, और जो कि एक जेल बेस्ड लाइनर है, एंड इट्स सो लॉन्ग लास्टिंग एंड आई लव दिस लाइनर। तो फाइनली आई एम डन विथ माय आईलाइनर। एंड लाइनर के बाद हम करेंगे अपने लैशेज को कर्ल। लैशेज को कर्ल करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी आईलैश कर्लर। एंड आईलैश कर्ल करने के बाद हम यूज़ करेंगे मस्कारा। मस्कारा के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एमएन का मस्कारा। ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटरप्रूफ मस्कारा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप मस्कारा लेना चाहते हो तो आप एक चांस इसको दे सकते हो। सो या अब बारी है हमारे इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के। हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ग्लैम 21 की आई शेडो पैलेट, जिसमें से मैं लूँगी एक हाईलाइटर एंड हाईलाइट करूँगी अपने इनर कॉर्नर्स को। एंड आई मेकअप के बाद अब बारी है हमारे फेस की। फेस के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी बीबी क्रीम, बिकॉज मैं फाउंडेशन ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे बीबी क्रीम ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं बीबी क्रीम से एक बेस बना लूँगी। एंड गाइज डोंट फॉरगेट योर नेक। गाइज अगर आपने अपने नेक को छोड़ दिया और सिर्फ फेस पे मेकअप किया तो लोग दूर से पकड़ लेंगे ये फैन लवली किडिंग गाइज। एंड मैं अपनी बीबी क्रीम को ब्लेंड कर लूँगी एक ब्यूटी ब्लेंडर से। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप कोई भी ब्यूटी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, मतलब ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली मुझे ऐसा लगता है फिंगर से सबसे अच्छे से ब्लेंड होता है, बट वीडियो के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर। एंड अब मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। कंसीलर मेरे डार्क सर्कल्स को और जितने भी पिगमेंटेशन या एक्ने मार्क्स है उसे कवरेज देगा। और यहाँ पे अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का पेन स्टिक कंसीलर।
एंड इसे मैं वापस से ब्लेंड कर लूँगी उसी स्पॉन्ज से या उसी ब्लेंडिंग ब्यूटी ब्लेंडर से जो मैंने अपने बीबी क्रीम को ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया था। देन गाइज अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मेबलिन का कॉम्पैक्ट, जिसे मैं पाउडर ब्रश से अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। अब बारी आती है गाइस ब्लश की, एंड ब्लश के लिए यहाँ पे मैं अगेन लूँगी ग्लैम 21 का पैलेट। इट्स अ बिग शाउट आउट टू ग्लैम 21। सो यहाँ पे मैं लूँगी एक पीची सा कलर, ना कि पिंक कलर ब्लश के लिए, क्योंकि हमें जो लुक क्रिएट करना है वो थोड़ा सा पीच सा, थोड़ा सा सटल सा लुक क्रिएट करना है। सो इसे मैं अपने चिक्स और अपने हल्के से नोज़ पे अप्लाई कर लूँगी, एंड इसे मैं अगेन टैप कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से ताकि ये एक नेचुरल लुक दे। एंड इसके बाद अब हम लगाएंगे हाइलाइटर, एंड दिस इज़ द फेवरेट पार्ट इन मेकअप। मुझे हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पे मैं अपने पाउडर ब्रश को यूज़ करूँगी एज अ फैन ब्रश, क्योंकि मेरे पास फ़ैन ब्रश नहीं है। सो जुगाड़ इंडियंस, अगर आप भी ऐसे जुगाड़ करते हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने ऐसे जुगाड़ किए हैं। देन मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर अगेन ग्लैम 21 शोज टॉपर ऑफ द मेकअप ग्लैम 21 की पैलेट से, एंड मैं इसे अपने आई बोन्स पे भी अप्लाई करूँगी, एंड अगेन मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से टैप कर लूँगी ताकि ये एक नेचुरली सा लुक दे। इसके बाद बारी आती है गाइस हमारी आईब्रोज की। आईब्रोज के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ADS की आईब्रो पेंसिल, इससे मैं अपनी आईब्रोज को कर लूँगी फिल। एंड अब मैं अप्लाई करूँगी काजल। काजल के यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का आइकॉनिक काजल। ये काजल लॉन्ग करता है समथिंग 2 to 4 hours, तो इट्स इनफ फॉर मी। सो 1+ point फॉर लैक्मे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब बारी है हमारी लिपस्टिक की। लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैट मिकी रेड लिपस्टिक। ज़्यादातर मैं इतना डार्क कलर यूज़ नहीं करती, बट इट्स फेस्टिव गाइस तो रेड कलर तो बनता है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैट मी का रेड कलर फॉर लिपस्टिक, एंड माय मेकअप इज डन। सो मैं मिलती हूँ आपको अपने फाइनल लुक के साथ। आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब।